चार पांच दिहाइयों से कराची जो हुआ करता था वो अब नहीं है और हम सब जानते हैं। आप कुरंगी चले जाएं और कहीं छोड़ें, कुरंगी जिस तरीके से प्लान था, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बीच में उसके आइलैंड्स, दोनों तरफ आप देखेंगे कुरंगी के अंदर भी सारी सड़कों पे, मेजॉरिटी सड़कों पे आपकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, फिर सर्विस रोड्स, लेकिन हालत क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस आ जाए और उसके चारों तरफ जो इमारतें बनी हैं, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनको उठा सकेगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2000 में पता नहीं एक चीज़ कर दी गई कि जी इससे बड़ा रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू कुछ नहीं आया, जो आया या ना आया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया उसकी वजह से। और अगर हम अब कुछ करने जाते हैं उसके खिलाफ तो हमें कहा जाता है कि जी आप तरक्की के खिलाफ हैं, कहीं पे माजरत के साथ, जहाँ पे हमारे लोग भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बिल्डर्स हैं वो भी, उनको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये आपको पता है, हमने ये स्टडी कराई थी, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराई थी कि कराची को एक लिवेबल सिटी बनाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उस वक्त, ये आज से कोई 2015-16 की बात है, हमें कहा गया था कि $3 अरब की ज़रूरत है कराची को लिवेबल बनाने के लिए। लेकिन ये कराची, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम एक साल में या दो साल में या इवन पाँच साल में इतने पैसे अवेलेबल रखें, लेकिन हमने उसके लिए इंटरनेशनल एजेंसी से, चाहे वो पानी लाने की स्कीम्स हो या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, हमने कई 100 अरब की स्कीम्स, रुपयों की स्कीम्स हमने शुरू की हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये सारी जैसे कंप्लीशन में आएंगी इनका फ़र्क नज़र आएगा। इस साल भी मैं आपको नंबर्स के साथ बता सकता हूँ कि कराची की डेवलपमेंट में के लिए हम 100 अरब से ज़्यादा, 200 अरब से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं। पानी के लिए K4 की बहुत बात होती है, हमने इस साल हब की एक्सपेंशन, इसलिए हब में हमारे पास पानी है, वो स्कीम बनाई हुई और इंशाल्लाह ताला उसको हम इसी साल, उम्मीद है मुझे कि हम जून 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो शायद एक दो महीने आगे जाए, कोशिश तो ये होगी तब तक हो जाए कि हम 100 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची तक ला सकें उससे, और उसको हम एक्चुअली डबल कर रहे हैं। 200 मिलियन गैलन की पूरी स्कीम है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो स्कीम्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, मुझे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा वो अगले महीने नहीं नवंबर में जा रहे हैं चाइना, और वो चाहते हैं कि वो जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को पेश करें। और मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट साहब जैसे पहले हमेशा कामयाब हुए हैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने में, उनकी मदद से हम ये इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे। जुबैर साहब ने बात की मलीर एक्सप्रेसवे की, आई एम ओपन, हम तो चाहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, हमारे ऑलरेडी दूसरी स्कीम है कि कुरंगी रोड से इसको पोर्ट तक हमने ले जाना है, वो फेज़ टू ऑफ मलीर एक्सप्रेसवे जिसको हम कह रहे हैं। कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे चुकी है कि हमने ये अंडरटेक करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है। तो वो जो आप बता रहे हैं नेशनल हाईवे से कनेक्टेड, इसकी हाजिर है बिल्कुल, उसको हम करेंगे। एज आई स्पीक राइट नाउ 172 अरब रुपए कोर्ट में जमा है इंफ्रास्ट्रक्चर से इसके, 172 अरब रुपए। हमने 12 साल हाईकोर्ट में केस लड़ा और वो केस जीता, तो वही आप ही के दोस्त, आप ही के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए 4 साल में से सुप्रीम कोर्ट में। आजकल बहुत बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इवन गवर्नमेंट, 4 साल हो गए हैं 172 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं और वो फैसला नहीं होने दे रहे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि देखिए डेवलपमेंट या हुकूमतें तब तक नहीं चल सकती, वो कहते हैं ना मनी मेक्स द मेयर रन, जब तक हम वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ये पैसा, ख़ास तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ये पैसा, लेकिन हमें मिले तो सही। वो 172 अरब रुपए दिलाने में भी आप मदद करें। मैं सईद साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट इंडस्ट्री के दो में आते हैं। मैं प्लानिंग के वज़ीर को भी कह दूंगा कि एक मीटिंग करके सारी साइट एसोसिएशन से उसी पैटर्न पे हम एक और राउंड करें। ये पैसे हैं आपके, आप मीनिंग इस शहर के लोगों के, सूबे के लोगों के, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर खर्च करने, और जहाँ बेहतर खर्च हो जाए उससे ज़्यादा कोई मुझे खुशी नहीं होगी।